वेक्टर कैलकुलस सीरीज के इस 12 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में स्टॉक्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को बताऊंगा। वेक्टर कैलकुलस पर एक सीरीज मैं चला रहा हूं, जिसमें से 11th वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ बताया था, आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, उस स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में स्टॉक्स थ्योरम का प्रॉब्लम ही सॉल्व करूंगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, स्टॉक्स थ्योरम का प्रॉब्लम लेने के पहले मैं स्टॉक्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है या स्टॉक्स थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए एस कोई सरफेस है, जैसे यही एक सरफेस है, ये हेमी स्फीयर है, यह जो ऊपर की सतह है वो उसको हम लोग सरफेस एस मान रहे हैं, और उस सरफेस पर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है और ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंसिबल भी है। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस सरफेस में डिफाइंड है और कंटिन्यूस है और डिफरेंसिबल है, और ये जो सरफेस है वो मान लीजिए कर्व क्लोज्ड कर्व सी से घिरा हुआ है। जैसे ये जो सरफेस है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कर्व है, तो ये कर्व जो है वो सी है, इस सी से घिरा हुआ है। इस सरफेस को हम लोग एस सपोज कर लेते हैं, और ये फंक्शन जो है वो इस सरफेस में डिफाइंड है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंसिबल भी है। तो स्टॉक्स थ्योरम का कहना है कि लाइन इंटीग्रल जो होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, लाइन इंटीग्रल इस सी कर्व में अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालना है एफ वेक्टर फंक्शन एफ डॉट डी आर, तो ये किसके बराबर होता है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकाल लेंगे और उसका हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो इस सरफेस में, तो इसके इक्वल होता है। यही स्टॉक्स थ्योरम का कहना है कि कोई भी फंक्शन लेते हैं, एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्लोज्ड कर्व सी में लाइन इंटीग्रल निकालना हो तो ये लाइन इंटीग्रल इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, जहां एन यूनिट वेक्टर, एन क्या है, ये नॉर्मल होता है। इस सरफेस पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जो नॉर्मल होता है इसी को हम लोग यहाँ पर एन कहते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये होता है। तो यहाँ पर यही एन लिया गया है। तो चलिए इसी थ्योरम का यूज करके इस सवाल को बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन है क्या, जरा आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि यूज स्टॉक्स थ्योरम टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को हम लोग को इवेलुएट करना है, ये कर्ल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल है ओवर द ओपन हेमी स्फीयर। ये जो सरफेस इंटीग्रल निकालना है वो कहाँ निकालना, ओपन हेमी स्फीयर सरफेस। ये जो आप देख रहे हैं ये हेमी स्फीयर है, तो इस हेमी स्फीयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ये स्फीयर का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन पर, और रेडियस क्या होगा, रेडियस ए होगा, और हेमी स्फीयर है और जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो फिगर होगा हेमी स्फीयर, ये कंप्लीट हेमी स्फीयर, तो इधर से आएगा, तो इधर से जो आएगा वो कंप्लीट में से हम लोग को हाफ पार्ट लेना है, और कौन सा पार्ट में लेना है, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर यानी जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। और जिस फंक्शन का कर्ल का सरफेस इंटीग्रल निकालना है वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड कर दिया गया है वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इक्वल टू वाई आई के प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप है। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये दिया हुआ है और इसी को हम लोग को इवेल्युएट करना है। तो ये जो इवेल्युएशन हम लोग करेंगे स्टॉक्स थ्योरम का यूज करके करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट इसके वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल का सरफेस इंटीग्रल निकालें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक्स थ्योरम का यूज कर लें इसको निकालने में तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है।
जैसे इसमें करना क्या पड़ेगा, इसका यूज करने के लिए यही चीज़ हम लोग को निकालना है, तो इसके बदले हम लोग ये निकाल देंगे। अगर ये निकाल दिए तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये सरफेस इंटीग्रल नहीं निकाल करके इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकाल देंगे, और लाइन इंटीग्रल निकालना हम लोग को यहाँ पर आसान होगा। अगर सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो ये लंबा होगा, तो इसके बदले हम लोग ये निकाल देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अब देखिए आगे करते क्या है, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द गिवन सरफेस, सरफेस का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हेमीस्फीयर है जिसमें जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ये हेमीस्फीयर PLQ, ये ऊपर वाला पोर्शन का हम लोग नाम दिए हुए हैं, तो ये हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है PLQ। इट मीट्स द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो कौन सा प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, XY प्लेन। XY जो प्लेन होता है उसका इक्वेशन होता है जेड इक्वल टू जीरो। तो ये XY प्लेन को कहाँ पर मीट कर रहा है, ये इस सर्कल पर मीट कर रहा है, ये जो हेमीस्फीयर है वो इस सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट मीट्स द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो इन द सर्कल सी, सर्कल का नाम हम लोग दे रहे हैं, ये कर्व का नाम दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। और इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इसका रेडियस हेमीस्फीयर का रेडियस ये है और सेंटर ओरिजिन पर है, तो सर्कल का भी सेंटर ओरिजिन पर हो जाएगा, रेडियस ये होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x² + y² = a². एक्चुअली ये z = 0 प्लेन पर है, मतलब xy प्लेन पर है, तो xy प्लेन पर सर्कल का इक्वेशन यही होगा और z = 0 बता रहा है कि xy प्लेन पर है। तो द पैरामेट्रिक इक्वेशन, इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, यह आपको पता होगा कि द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल सी, इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x = a cos θ, y = a sin θ और z = 0, क्योंकि xy प्लेन पर है, उसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ले रहे हैं इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, थीटा जो है वो 0 से 2π तक। थीटा होता क्या है, इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट लीजिए और पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहीं पर हम लोग पॉइंट ले लिए, ये पी पॉइंट ले लिए, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं ओरिजिन से, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ही थीटा होता है। और पूरे सर्कल के लिए एक्चुअली एक्स वाई प्लेन पर आप फिगर बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन पर ये फिगर है, सर्कल जो है वो एक्स वाई प्लेन पर है, तो कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एंगल थीटा ले रहे हैं, तो पूरे सर्कल के लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, इस पॉइंट का थीटा 0 होगा और ये थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर 3π/2 हो जाएगा और यहाँ तक जब आएगा तो 2π। तो पूरे सर्कल के लिए थीटा 0 से रोटेट होकर के 2π तक जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 to 2π हो गया। ये तो हम लोग सर्कल के बारे में लिखे हुए हैं, ये जो कर्व यहाँ पर बन रहा है उस कर्व के बारे में लिखे हुए हैं। अब हेंस बाय स्टॉक्स थ्योरम वी हैव, अब हम लोग स्टॉक्स थ्योरम का यूज करते हैं और हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर कर्ल एफ का सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल एस, इस सरफेस को अगर हम लोग एस मान लें, तो सरफेस इंटीग्रल एस निकालना है, कर्ल एफ डॉट एन, एन यूनिट वेक्टर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू इस लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा अलोंग द कर्व सी, कौन सा, एफ फंक्शन का डॉट डी आर। अब एफ फंक्शन है क्या, तो एफ फंक्शन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एफ फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाई आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप है, और डॉट डी आर, डी आर क्या होता है, एक्चुअली आर जो होता है वो किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होता है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम लोग जब डी आर निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, तो डी आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, आई तो कांस्टेंट वेक्टर है, वाई का डिफरेंशियल डी वाई और जे कांस्टेंट वेक्टर है, जेड का डी जेड और के कांस्टेंट वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डी आर का वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये एफ फंक्शन का वैल्यू लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और डॉट डी आर, डी आर का वैल्यू हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब हम लोग ये दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे निकलेगा, अब देखिए आपको पता होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, और फिर जे का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जेड एक्स और वहाँ पर है इंटू डी वाई, प्लस के का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू डी जेड।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये अलॉन्ग द कर्व, इस कर्व में इंटीग्रेट करना है। तो इस कर्व में जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन ये है, एक्स वाई प्लेन पर ये सर्कल है, तो एक्स वाई प्लेन पर जो भी सर्कल बनेगा या जो भी कर्व बनता है उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक्स वाई प्लेन पर प्रत्येक पॉइंट, एक्स वाई प्लेन के प्रत्येक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हम लोग को कर्व सी में, इसी कर्व में इंटीग्रेट करना है, इस सर्कल पर, तो इस सर्कल के प्रत्येक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सिंस जेड इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज डी जेड भी, इसका डिफरेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ जेड जीरो है, जेड है वहाँ पर जीरो पुट कर देंगे और डी जेड के जगह भी जीरो पुट कर देंगे। तो देखिए ये जेड है, यहाँ पर जेड के जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो, डी जेड जीरो पुट करेंगे तो ये भी पूरा टर्म जीरो। तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर हम लोग को वाई और डी एक्स, इससे कर्व में हम लोग को सर्कल में इंटीग्रेट करना है, तो जेड और डी जेड दोनों जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्ट हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y का वैल्यू, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन इसका ये लिखा हुआ था, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, सी कर्व में इंटीग्रेट करना है तो सी कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो y की जगह a साइन थीटा पुट कर दीजिए, y की जगह a साइन थीटा, और dx x का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये सी कर्व में इंटीग्रेट करना है, अलॉन्ग द कर्व सी, पूरे यहाँ से कंप्लीट पूरे कर्व में इंटीग्रेट करना है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से टू पाई, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये सर्कल जो है इसमें जीरो से टू पाई तक थीटा वेरी कर रहा है। तो ए जो यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ जो कांस्टेंट है, ये दोनों को आप बाहर निकाल लीजिए, और जीरो टू टू पाई यहाँ बच रहा है साइन थीटा, और आप इसका जब डिफरेंशियल निकालिएगा तो ए तो कांस्टेंट को हम लोग तो बाहर कर चुके हैं, कॉस थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर डी थीटा, माइनस को हम लोग बाहर कर सकते हैं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आप लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर लिए, 1/2 को कांस्टेंट है ये आप बाहर कर सकते हैं, और 1 का इंटीग्रल थीटा और कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, जीरो टू टू पाई है। अब मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ तो अपर लिमिट है टू पाई, और यहाँ पर 2 पाई पुट करने से साइन 4 पाई जिसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो थीटा के जगह जीरो पुट करने से दोनों जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई, तो यही इसका वैल्यू निकल गया। तो इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल निकालना था, तो जो हम लोग लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिए स्टॉक्स थ्योरम का यूज करके और उसके बाद इवेलुएट कर लिए, तो इसका वैल्यू माइनस ए स्क्वायर पाई आया। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरे चैनल पर वीडियो है, 5 मिस्टेक्स इन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दिया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यूज स्टॉक्स थ्योरम टू इवेलुएट दिस, इस लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करना स्टॉक्स थ्योरम का यूज करके, जहाँ पर सी कौन सा कर्व है, वेयर सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2। ये एक सर्कल हो गया और ये जेड इक्वल टू 2, यानी कि एक्स वाई प्लेन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर जो प्लेन होगा, आप जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का एक कॉर्नर को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, दूसरे कॉर्नर को वाई एक्सिस और तीसरे कॉर्नर को जेड एक्सिस मान लीजिए, तो जो जमीन होगा वो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। एक कॉर्नर जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस, दूसरा कॉर्नर वाई एक्सिस, और जो
आपका ये जो खड़ा है इस तरीके से रूम में, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसका इस किनारे को एक्स एक्सिस, इस किनारे को वाई एक्सिस, और जो खड़ा है उसको आप जेड एक्सिस मान लीजिए, तो नीचे हो गया एक्स वाई प्लेन, आप जमीन जो है वो एक्स वाई प्लेन, और जमीन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर जो प्लेन होगा वही जेड इक्वल टू 2 हो गया। जेड इक्वल टू 2 एक ऐसा प्लेन होगा जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, और उस प्लेन पर जेड इक्वल टू 2 पर ये सर्कल है, तो इसी जो सर्कल एक कर्व बनेगा, तो वो जो कर्व बन रहा है उसी कर्व में हम लोग को इसको इवैल्यूएट करना है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाए हैं, और ये जो है वो एक्स एक्सिस यहाँ पर बना दिए, और यहाँ पर वाई एक्सिस बना दिए, और ये जो है वो जेड एक्सिस बना दिए, तो यहाँ पर भी एक इसका प्रोजेक्शन जो होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वो भी एक सर्कल होगा। तो इस प्लेन के इस कर्व की बात कर रहा है यहाँ पर, ये जो कर्व है ये कर्व की बात कर रहा है, और इस कर्व से जो बाउंडेड सरफेस होगा इस सरफेस को हम लोग एस मान रहे हैं, इस सरफेस को एस। तो जब हम लोग स्टॉक्स थ्योरम का यूज करेंगे तो इस कर्व में जो इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन बताया वहाँ पर लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल निकालना था, तो उसको लाइन इंटीग्रल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, वो आसान हो गया इंटीग्रेट करना, और यहाँ लाइन इंटीग्रल ही निकालना है, लेकिन इसको हम लोग देखिए कैसे आसानी से स्टॉक्स थ्योरम का यूज करके कैसे इवैल्यूएट करेंगे, जरा इसको समझिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर जो है लाइन इंटीग्रल निकालना है y इंटू जेड डी एक्स प्लस एक्स इंटू जेड डी वाई है प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड है, इसको हम लोग देखिए लिखते कैसे हैं, ये लाइन इंटीग्रल निकालना है, इसको लिखते हैं वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, और साथ में लिखते हैं डॉट करके डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिखते हैं। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो देखिएगा यही इंटीग्रल आ जाएगा। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई जेड डी एक्स हो जाएगा ये, फिर एक्स जेड डी वाई ये आ जाएगा, फिर एक्स वाई डी जेड ये आ जाएगा, तो इसी को हम लोग इस तरीके से लिखे हैं। और ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ रहा है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को आप सपोज कर लीजिए एफ, और ये हो जाएगा डी आर, मैं अभी बता रहा था इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ किसको हम लोग सपोज किए हैं, एफ जो है वो इस फंक्शन को सपोज किए हैं वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, यही लाइन इंटीग्रल निकालना है। अब हम लोग स्टॉक्स थ्योरम का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और स्टॉक्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि जो भी सरफेस आ रहा है उस सरफेस में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और किसको करेंगे, कर्ल एफ को इंटीग्रेट करेंगे डॉट एन डी एस। ये कहाँ से आया, बाय स्टॉक्स थ्योरम, हम लोग स्टॉक्स थ्योरम का यूज किए हैं, स्टॉक्स थ्योरम का यूज करके ही इसको इवैल्यूएट करना है, तो स्टॉक्स थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको लिखे हैं। अब हम लोग इसको नंबर वन कर देते हैं, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ जो है उसका कर्ल निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि कर्ल एफ का मतलब क्या हुआ, डेल क्रॉस एफ होता है, और डेल है क्या, डेल जो है वो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड होता है, और हम लोग क्रॉस एफ ये फंक्शन एफ जो है वो लिख जाते हैं। तो एफ फंक्शन हम लोग अभी यहाँ पर लिखे हुए, एफ फंक्शन क्या है, वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप है। अब ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हैं आई जे के कैप, और यहाँ पर पहले हम लोग फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट का कम यहाँ पर लिखते हैं वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप यहाँ रहने देते हैं, अलॉन्ग द फर्स्ट रो एक्सपेंड करते हैं, तो ये आई कैप लिखते हैं, और ये इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल बाय डेल वाई किसको, एक्स वाई को, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स इंटू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर ये आई कैप रहने देते हैं, फिर माइनस अब जे कैप लिखेंगे, तो इसके साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं,
तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, आप देख पा रहे होंगे यहाँ डेल बाय डेल एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेट होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं, फिर ये इसको ऑपरेट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जे कैप हो जाएगा, प्लस के कैप के लिए हम लोग के कैप का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो इसके लिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये ऑपरेट होगा मल्टीप्लाई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स जेड और माइनस डेल बाय डेल वाई है ऑफ वाई जेड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई जेड, और ये किस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा के कैप, तो जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं वैसे हम लोग एक्सपेंड कर लिए, और यहाँ पर अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x, और इसको z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भी x, तो यहाँ पर x माइनस एक्स आई कैप, और यहाँ जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये भी y हो जाएगा, और वहाँ पर अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये z हो जाएगा, और इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये भी z हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये जीरो वेक्टर हो गया। तो क्या हुआ, जब हम लोग कर्ल निकालें तो ये एक जीरो वेक्टर आ रहा है, और अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट से देखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट जो हम लोग को निकालना था, जो इंटीग्रल निकालना था, ये इंटीग्रल क्या था, ये इंटीग्रल था वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड था, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना आया था फर्स्ट में हम लोग लिखे थे, आप देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रल का वैल्यू लिखे थे इस कर्ल ऑफ एफ का सरफेस इंटीग्रल के बराबर, तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल था कर्ल एफ डॉट एन डी एस का, और कर्ल एफ हम लोग इस फंक्शन का भी निकाल चुके हैं कि कर्ल एफ आया क्या, जब कर्ल एफ निकालें तो आप देख रहे हैं कि ये जीरो वेक्टर आ गया, तो ये जीरो वेक्टर आ गया डॉट एन डी एस, अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो वेक्टर ही आएगा, और जीरो का जब सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो भी कंप्लीट जीरो आएगा, तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल वो क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इसका स्टॉक्स थ्योरम का यूज किए तो बड़ा आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिशन में भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसको स्टॉक्स थ्योरम से, ये मैं तो अभी पूरा डिटेल से बनाया हूँ इसीलिए, नहीं तो ये एक मिनट या डेढ़ मिनट का समय में ये इसको बनाया जा सकता है, तो ये बहुत आसान होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन बताऊंगा कि स्टॉक्स थ्योरम का वेरीफाई कैसे करते हैं, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल दोनों इक्वल करके दिखाऊंगा किसी फंक्शन के हेल्प से, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट करके कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, या फिर इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप जैसा फीडबैक देंगे उसके अनुसार मैं अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में मैं अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, तो आप अपना सजेशन ज़रूर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।